अब मैं नीचे आके बात कर करके करूंगा ना, जब मानेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? जोशी साहब। जोश कम दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अच्छा पूरा जोश है, इतना ही जोश होता है। बड़े आदमी से किसी ने, बड़े आदमी ने अपने नौकर से कहा भाई सुबह में शहर को जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, तो मुझे उठा देना। तो साहब को उठाया उसने 4 बजे, तो साहब करवट पलट के सो गए। तो सुबह जब 7 बजे दोबारा उठे तो बोला तेरे को मैंने कहा था ना मैं घूम के आऊंगा, शहर पे जाऊंगा, तूने मुझे उठाया नहीं। बोला साहब बहुत बड़ा आदमी है, मैं सोचा इतना ही घूमता होगा। तो ये ताली इतनी जोर से बजाते होंगे। सर आप तो वाकई साफा लगा के अभी भी ऐसा लग रहा हूँ जैसे बारात लेके जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? आप बोलो तो बारात भी लेके धर्म कुलरिया मुंबई। अरे वाह साहब, कुलरिया साहब उधर से भी थे वो बड़े भाई साहब मेरे। बड़े भाई साहब है तो नेटवर्क दूर तक फैला हुआ नेटवर्क पूरा वर्ल्ड वाइज है। अरे क्या बात है कुलरिया, नाम भी अच्छा है, कुल का नाम रोशन करा है। जोरदार ताली बजाओ भाई कुलरिया जी। और आप इनके साथ है? जी हाँ, राज जहांगीर। अरे साहब जहांगीर साहब तो पूरा जान जान जाएगा। राजस्थान के एक्टर है। अच्छा एक्टर भी है? मैं डायरेक्टर हूँ। आप बताओ। आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, साथ ही आपको बहुत शुभकामना देता हूँ। और पूरे देश को आपका जो वीडियो जाता है उससे ट्रैफिक का जो नियम और रूल्स है वो आप बताते हो, उसके लिए आपका एक नियम भी बता दो लगे आप। नहीं, आप हमेशा रोकते हो और रोक के उनको प्यार से समझाते हो, वो सबसे बड़ी बात है। बिना चालान के उनको समझा के आप रहा, क्या बात है, और उनको समझ में आता है। धन्यवाद आपका इसके लिए। प्यार से समझाने का तरीका अच्छा होता है साहब। मैंने एक बहन को रोका, मैं बहन रोको रोको रोको, तो वो बोली कि सर मैं थोड़ा तेज चल रही थी। मैं नहीं नहीं आपको धीरे धीरे ओढ़ रही थी। इनको पकड़ा मैं, भाई साहब आपने क्यों पी रखी है? बोला सर आप ही तो कहते हो कोरोना के बाद 2 डोज लेके चलो। तो मगर 2 डोज की कहती पटियाला वाले की थोड़ी। तो सर आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, हार लो। क्या बात है, बिल्कुल बहुत शानदार लग रहे हो सर। इतनी क्या आपकी तो कैसे पता है कि चलता है? एज क्या है? 47 वेट कुड़ी था है, एज भी कम था, मेरे तो 49 होगी। अच्छा मेरी बीवी ने मुझे कहती है तू है ना, तेरी शक्ल ऐसी लगती है ना ट्रक के नीचे पतीला आ गया। तो क्या सही बात कह रही है वो? नहीं कह रही, लेकिन मैसेज हमेशा सही बोलती है। सर आप चुपचाप क्यों है? पाली से देखी थारी पाली में गए थे, पाली में एक ही रेड लाइट है वो भी बंद पड़ी है, क्या करते हैं आप? जिला बना दिया एक ही रेड लाइट थी है ना, पूरा एक ही है, और वो भी खराब थी। पहले वहां अच्छी थी, फिर उसको है ना हटा के वो लगाई नहीं, वो 1.5 दिन चली। जोरदार तालियां बजाओ, कितनी बढ़िया व्यवस्था हो गई थी वहां। कमर की हड्डी टूटे भी कहीं भगवान उठा ले। क्या शानदार आदमी है सर, आप क्या कहते हैं? काफी अनुभव है। कोटा से सर, आप कोटा में तो मतलब रेड लाइट ही वो मिक्स हटा दी सारी, नो रेड लाइट, क्या शानदार माहौल बना रखा था वहां है ना। लेकिन एक बात देखी सर, शुरू शुरू में बच्चे ऐसे स्मार्ट चलते हैं, मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो ऐसे स्मार्ट चलते, तू आके सड़ते देखने थे मेरे लाल। हाँ तू मेरे घर जाके लड़ना मत सर। बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं शुरू में, ऐसे चलते हैं जैसे कोई मॉडल चल रहा हो, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, सलमान खान भाई ऐसे चलते हैं। लेकिन वो जब गिर जाते हैं तेज बाइक से तो ऐसे चलते जैसे मामा शकुनी चल रहा हो। मैं आपको चल के दिखाऊं, मामा शकुनी यहाँ लगाएंगे हाथ भांजे। तो अपने बच्चों को बाहर जाने से पहले टोकना चाहिए, स्पीड कम रखनी चाहिए। शहर में कितनी स्पीड होनी चाहिए सर आप बताएं? प्रभु अपना परिचय दे सर। आप बहुत डबल डबल आपके नाम से
काम भी उतरी थी। बहुत बढ़िया, खुद भी ज्यादा आनंद ऐसी होना चाहिए, खुद पर करनी चाहिए ना सर कॉमेडी। अभी भाई साहब पिताजी ने बच्चे को कहा कैसे जी, पिताजी कुछ कहना चाहेंगे? अरे साहब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार लोग हैं आप, देख ले शानदार लोग हैं सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? चश्मे को आपने बड़े ढंग से लगाया सर, आपके मुंह से बड़ी शानदार है और आप जरूर मीठा बोलते होंगे, मेरे को बोल के बताया। हिंदी थोड़ा कमजोर है मेरे साहब। अच्छा कोई नहीं, हमारी कौन सी कौन है। तो मेरा नाम है उपांश प्रभु जी, मैं ओरिजिनली कर्नाटक से हूँ। अच्छा, इधर मणिपाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। सर एक बात है, आपका चलान नहीं हो सकता, पता क्यों? आपका नाम दोबारा बताओ। उपांश प्रभु। अच्छा, जस्ट वीडियो सर को पकड़ लिया था तो उसने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, चलान करने वाले तो उसने बोला वीडियो वाला कैंडी टेक अप राम बलूसा, तो बेचारा हरियाणा का कैंडी बोला था पंचा है, मैं दोबारा बस गलती मत करना। तो ये शानदार है और आप मीठा इसी बोलते सर, आपको पता नहीं है मीठा बोलने के लिए आपकी मूछे बड़ी कारगर है, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं तो आवाज चंच में बाहर आती है। थोड़ा फिल्टर है, राजस्थान में डबल फिल्टर लगा रहता है और उसको मिल रहा था। एक हमारे कवि है दिलीप चौहान जी, तो उनके पापा कौन सा पापा जी कहते हैं, बाद में पता चला मेरे पापा जी क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके 100 बीघा जमीन है, कभी उनमें राम जी पड़ जाए 100 गज का प्लांट के देते तो पापा से हो जाए। तो मामा जी कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा है कम ऐसा, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना। तो अपन जब साथ बढ़िया बढ़िया काम करेंगे तो अच्छा ही लगेगा, पर एक बात है आप सब बिल्कुल अंदर से जीते हैं, पापा के साथ बच्चा आता है तो रिलेशन की जो बॉन्डिंग है वो बड़ी शानदार है, यही होने चाहिए। क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक बात जरूर कहता हूँ कि हादसों से निश्चय ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। तो सब जोरदार तालियों से एक बार माँ का स्वागत करें, क्योंकि सर अपने माहौल ऐसा है कि हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, हम दो हमारे दो राजस्थान के संस्कार क्या कहते हैं या पूरे भारत के हो, क्योंकि मणिपाल वाले भी बैठे हैं सर, मैं तो राजस्थान का ही कहता हूँ कि हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन 13 भी नंबर आएगा, 13 भी नंबर आएगा, 13 भी नंबर आएगा। और हमारी बहने बेटी हैं इनके सम्मान में मैं नहीं बोलूंगा तो बुरा लगेगा बहन, मैं आपके सम्मान में बोलूंगा चिड़िया नहीं है बाघ है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में विराज है तू, और दूसरा संघ का काल है तू, खबर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो बहन के सब कह दिया, अपना परिचय दे जी। दूसरा से हो तो दूसरा तो मैं महिला खाने ऐसी कुछ कहा और मेरे महिला खाने ऐसी सोचे कि उसके नजरिए को लास्ट लाइन बड़ा आपको स्ट्रिल कर देगी, थ्रिल कर देगी।
कि घट रही है बेटियां आपको भाई कोक में, क्या कमी रही भला आदमी और चौक में, मर रही है बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानव रूप से, चल रही है दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, बिक रही है औरतें गरीब चाहे तरस है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, और वृद्ध मात कोने में दुनिया मस्त सोने में, अरे सोई पी के जाम है उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है, और खट रहे हैं महात्मा बेच कर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता, लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा चमनप्रास बाबा ने और बात नहीं करते साहब, हम अपनी माँ बहन बेटी से बात नहीं करते, अपने आपस में बात नहीं करते, संप्रेषण कम हो गया तब मैं कहता हूँ कि करे ना कोई बातचीत, बताए ना क्या कष्ट है, और बोलता है मीठे बोल पर आत्मा तो भ्रष्ट है, तो इस भ्रष्ट आत्माओं को जब अपन विनर करके आप जब आते हो हमारे नायक बनते हो और पूरे जिंदगी में ऐसे ऐसे उदाहरण देते हो तभी समाज को नई दिशा मिलती है, तो एक उम्मीद जगती है कि हम कुछ बढ़िया करेंगे, बढ़िया होता जाएगा, और ये काम दैनिक भास्कर और आप सबने मिल के किया, तो एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव खड़ा कर दे, थैंक यू वेरी मच।